वीडियोस में मौजूद है वो करें। इसी तरह एक एक, एक चीज़ ख़ास है उसके अंदर जो वीडियोज़ हैं, मैं चाहूँगा आप बच्चों के लिए ख़ासतौर से जो करें, उसके अंदर एक वीडियो है जिसके अंदर टच ऑफ लव एंड टच ऑफ लस्ट बोल के बहुत अच्छा है कि बच्चे को ये तरबियत कैसी दी जाए कि किसी ने उसको छुआ तो मोहब्बत से छुआ या किसी ख्वाहिश के तहत छुआ। ये उसने बहुत अच्छे अंदाज से उन्होंने बच्चों को सिखाया कि टच ऑफ लव क्या होता है बच्चों को और टच ऑफ लस्ट क्या होता है जो आदमी उसके तरफ हाथ लगाता है। और ये भी बहुत अच्छा, ये डिफ्रेंसिएशन बहुत ज़रूरी है। ये मैंने देखा हूँ कि बहुत सारे लोग छोटे बच्चों को दुकानों पर वगैरह रास्तों में उनकी शनगाओं में हाथ लगाते हैं, बड़े उम्र सीधा बच्चे, और बच्चों को समझता नहीं वो क्या करें, छोटे छोटे बच्चे होते हैं ये, लेकिन बहुत ही गलीस घटिया किस्म के लोग होते हैं और ये बच्चों की शनगाओं को हाथ लगाना अपना मामूल बनाते हैं। उन्होंने बहुत अच्छी वीडियोज बनाए टच ऑफ लव एंड टच ऑफ लस्ट, ये डिफरेंस उसमें एक्सप्लेन किया गया। तो लिहाजा बच्चों को एक्सप्लेन आप कर सकते हैं, पेरेंट्स इसको देखें अपने बच्चों को आप समझाएं, इंशाल्लाह मैं समझता हूँ बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो आप इन वीडियोज़ का सहारा लें, आप मैं समझता हूँ काफ़ी अच्छे नतीजे तक पहुँचेंगे। और बच्चों को टीचिंग के एतबार से सिखाया गया, आप एज ए टीचर उनको ये सारी चीज़ें बहरहाल इंशाल्लाह बता सकते हैं। बल्कि बहुत सारे स्कूल में तो बहुत सारे मेट्रोज में कंपलसरी किया गया कि बच्चों को ये सारी चीज़ें स्कूल से पहले पेरेंट्स और स्कूल में टीचर्स जरूर सिखाएंगे।